हेलो दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं धरखुआ का मेला। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। देखिए हम लोग गाड़ी से जा रहे हैं, ये देखिए हम लोग तीन लोग जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं, आप वीडियो को लास्ट तक देखना और हम लंगड़ा दादा का भी दर्शन आप करके आपको दिखाएंगे। अब हम रेलवे पुल के पास पहुंच गए हैं, जो आपकी आपको वीडियो में दिख रहा है। हम तीन लोग पुल के नीचे से पार करते हुए जा रहे हैं। दोस्तों बहुत मज़ा आ रहा है। दोस्तों अब हम लोग कटवा पुल के पास पहुंचने जा रहे हैं, एक ग्राम पंचायत लोढ़ा में स्थित पेट्रोल पंप। दोस्तों आप भी यहां आकर तेल भरवा सकते हैं अपने बाइक में। दोस्तों काफ़ी अच्छा है, आइए और यहां एक बार सुबह का मौका जरूर दीजिए। बहुत तेज धूप है, मन नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, आज लंगर बाबा का दर्शन करते ही आना है। आज मूड बना ही लिए दर्शन करने के लिए, तो आज दर्शन करते ही आएंगे। आपको मैं जरूर दर्शन कराऊंगा वीडियो के माध्यम से। अब हम NH-43 हाईवे की ओर जा रहे हैं। अब हाईवे में फायदा मिल गया है, अब हम हाईवे के चलते दुपार की ओर आगे बढ़ रहे हैं। चुके हैं, ये है दुगबार से अंदर जाने का रास्ता, जो कि लंगड़ा दादा यानी धरखुआ जाने का रास्ता है। आप वीडियो में बने रहें, मैं आपको सभी जगह बताते चलूँगा। दोस्तों ये आपको मिल रहा जवाहर नवोदय विद्यालय, जो दुगबार में स्थित है, जवाहर नवोदय विद्यालय। लोग दुगबार गांव से बाहर निकलते हुए जा रहे हैं। आपको देखिए कितना अच्छा मौसम है, बहुत तेज़ गर्मी है, इधर काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हो रही है। आप लोग देखिए कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन बारिश नहीं हो रही, बहुत तेज धूप है। अब हम सलैया पहुंचने वाले हैं, ग्राम सलैया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप सलैया पहुंच चुके हैं, सलैया से पहुंचते ही अब धरखुआ जाने का रास्ता आपको दिख रहा है। दोस्तों यहां से आप बाएं मुड़कर धरखुआ जाएंगे, जैसे आप रास्ता में पुल मिलेगा। लोग मेले पहुंच गए हैं, देखिए मेला में काफ़ी भीड़ है, बहुत अच्छा लग रहा है। दर्शन किया जाता है, यहाँ बजरंग बली की मूर्ति है, तो आप देख सकते हैं। दोस्तों मेला में नारियल लेते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मंदिर प्रांगण की ओर पहुंचते हुए हम लोग अंदर जा रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पास बहुत स्लोप है, इसलिए गाड़ी को धीरे धीरे चलाते हुए अब आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो गाइस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, मैं आपको हनुमान जी का दर्शन कराऊंगा और अब हनुमान जी से प्रार्थना करूंगी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। दोस्तों आगे एक नदी मिलेगी, जो आपके महानदी में जाकर मिल जाती है, जिसे उमरान नदी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये नदी हमेशा चलती रहती है, और जब बारिश होता है तो यहाँ नदी पुल के ऊपर से चलती हुई प्रतीत होती है। और दोस्तों अब हम मंदिर प्रांगण में पहुँचने जा रहे हैं। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की पुलिस फोर्स भी है, तैनात है। दोस्तों यह धरखुआ उमरिया जिले के तहसील चंदिया ग्राम पंचायत सलैया के अंतर्गत आता है। आप भी आइए घूमिए, बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों इधर ऐसा माना जा रहा है कि आप जो मन्नत मांगते हैं आपकी मन्नत पूरी होती है, कि आप भी आइए और अपनी मन्नत मांगिए। अब आपको लंगड़ा दादा यानी हनुमान जी का दर्शन करा रहे हैं। दोस्तों आप देखिए हनुमान
जा रहे हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छा लगता है, आप जरूर एक बार आइए। काफी श्रद्धालु हैं जो अपनी मनोकामनाओं की पूरी करने के लिए आए हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छा एरिया है और काफ़ी पर्यटक क्षेत्र भी है और नदी भी है नीचे जो कि काफ़ी रोमांचक बनाती है। इसलिए आप लोग जरूर एक बार दर्शन करने आए। ये हनुमान जी की मूर्ति है, इधर लोग बाग दर्शन करते हैं, आप भी आकर दर्शन करिए। दोस्तों ये शनि महाराज की प्रतिमा है, शनि देव की प्रतिमा है, उनकी भी पूजा इधर की जाती है। दोस्तों आप देखिए चारों तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। नदी हमेशा बहती रहती है। यह नदी आगे जाकर महानदी में मिल जाती है। दोस्तों यह नदी आगे जाकर महानदी मिल जाती है और बहुत हमेशा जीवित नदी के नाम से भी इसे लोग वक्त बोलते हैं। और हम लोग अब बाइक में बैठकर जा रहे हैं। आगे हमारे ब्रदर फूफा जी के लड़के और जीजा जी भी मिलेंगे, हम आपको उनसे भी मिलवाएंगे। दोस्तों आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। अब आपको हम अपने ब्रदर फूफा जी के लड़के से मिलवाते हैं। ये हमारे जीजा जी, हाय करो, हाय करो, ये हमारे फूफा जी के लड़के हैं, हाय करो, हाय करो, हाय करो। दोस्तों धौरखुआ का मंदिर मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में तहसील चंदिया और ग्राम सलैया के अंतर्गत स्थित धौरखुआ धाम जो बजरंगबली मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों यहां आप जो भी मन्नत मांगते हैं आपकी मन्नत पूरी हो जाती है। दोस्तों एक बार जरूर आएँ, बोलो बजरंगबली की जय।